गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस एकेडमी। स्टार्ट करते हैं क्या जो हम हमेशा करते हैं। आज है 29th of February। तो अभी तक की जितनी भी करंट डेवलपमेंट्स हुए हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, रिलेवेंट होगा, उसके एनालिसिस और डिस्कशन और क्या करते हैं, हम रिविजन भी तो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला गगनयान मिशन, पहले भी हमने पढ़ा था, कुछ दिन पहले इसके बारे में कुछ न्यूज़ आई थी। क्या न्यूज़ आई थी? LVM3 तीन स्टेज था, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। क्रायोजेनिक इंजन का अभी सक्सेसफुल परीक्षण किया था हमने। क्या नाम था? CE20। बहुत अच्छे से हमने डील किया था गगनयान को लेके। अभी किया ही था कि फिर मोदी जी आ गए और उन्होंने बताया कि गगनयान मिशन में जो चार भारतीय जाएंगे उनके नाम क्या है और उन्हें क्या कहा, शक्तिमान कहा? नहीं यार, शक्तियान कहा। तो गगनयान में कौन जाएंगे? शक्तियान जाएंगे। किसने कहा? हमारे मोदी जी ने कहा। तो मैं हमेशा कहती हूँ, चीज़ें तो बहुत होती रहती हैं हमारे आसपास में, बट हमें हैंड पिक करना है जो हमारे एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा। तो जो पुराने हैं वो बताइए, जो नए हैं पढ़िए। चार स्टेटमेंट्स है आपके सामने गगनयान मिशन को लेके जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इनमें से आपसे पूछ रहा है करेक्ट, ये जो है ना, ये महाशय जी बहुत खेलते हैं ह्यूमन ईयर का सबसे बड़ा सोर्स, क्या कथन में से सही है? सही पूछ रहे हैं, ठीक है, गलत नहीं पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट नहीं पूछ रहे हैं, करेक्ट पूछ रहे हैं। तो बताइए, सबसे पहला, क्या ये इंडिया का फर्स्ट मैन स्पेस मिशन है? बिल्कुल है यार, पहली बार तो हम भेज रहे हैं, तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है, ये सही है, ये सही है। उसके बाद क्या पूछ रहा है चौथा स्टेटमेंट में, कि इस मिशन की सफलता के साथ भारत अमेरिका रूस और चीन के बाद अंतरिक्ष में इंसान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा अगर ये मिशन सक्सेसफुल होता है, जो बिल्कुल होगा। तो उसके बाद इंडिया बन जाएगा फोर्थ कंट्री जो भेजेंगे ह्यूमंस को स्पेस में आफ्टर US, रशिया और चाइना। बिल्कुल ये एकदम सही स्टेटमेंट है, चलो, क्योंकि अभी तक इन्हीं तीनों कंट्री ने ह्यूमंस को स्पेस में भेजा है, चलो ठीक है, तो ये भी सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं, ये लो अर्थ ऑर्बिट में होगा। लास्ट टाइम जब मैंने पढ़ाया तो मैंने बताया था कि जो गगनयान मिशन है वो 400 किलोमीटर तक की दूरी तक जाएगी और ये आता है लो अर्थ ऑर्बिट में, तो ये भी सही है, चलो। और क्या है, लॉन्च बाय PSLV? नहीं यार, PSLV नहीं, GSLV, MK3, ये गलत है। तो आपसे पूछा है करेक्ट कौन सा है, तो 1, 3, 4 ये सही है। सॉरी, आपसे पूछा है सही कौन सा है, तो 1, 3, 4 ये सही है, ये सही है। कौन कौन सा सही है? हाँ, ये मैनमेड मिशन है, हाँ ये लो अर्थ ऑर्बिट में जाएगा, और हाँ इंडिया बन जाएगा क्या चौथी कंट्री अगर ये सक्सेसफुल, जो बिल्कुल होगा, चलो। तो न्यूज में क्यों था? हमारे मोदी जी ने बताया है, चार लोगों को दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया है जो जाएंगे कहाँ, स्पेस में। वन डे एग्जाम वालों के लिए इंपॉर्टेंट होगा नाम, बालाकृष्णन नायर, अंगद प्रताप, अजीत, विंग कमांडर सुभांशु शुक्ला, ये सारे इंडियन एयरफोर्स के हैं, नाम इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और UPSC तो नहीं पूछेंगी, बट BPSC या फिर State PCS चांसेस से पूछ सकती हैं। और इन्हें हमारे मोदी जी ने क्या कहा है, शक्तिमान नहीं शक्तियान, यान यान यान, ऑप्शन में ना कंफ्यूज कर देगा। मैंने बताया थ्री स्टेज था, सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक। अभी इसका हाल ही में परीक्षण हुआ था, CE20, है ना, तो ये हो गया, चलो ठीक है। और बहुत बातें मोदी ने बताई, बताइए, बिल्कुल बताइए, हमें क्या क्या जानना है? हमें जानना है कि इंडिया भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा 2035 तक, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उसके बाद फिर ये क्यों बना रहे हैं आपको नहीं पता? नासा वालों ने कहा है कि हम 2031 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डिकमीशन कर देंगे, ऐसा इन्होंने लास्ट ईयर कहा था। अभी कुछ डेवलपमेंट निकल के बाहर नहीं आई है, हर कंट्री कोशिश कर रहा है, चाइना ने ऑलरेडी बना रखा है, रशिया भी बना रहा है, US ने यूरोप के साथ कोलैबोरेशन किया है अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने के लिए, और इंडिया अपना प्यारा सा क्या भेजेगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, कब तक? 2035 तक। और इनका इन्विजन है कि इकोनॉमी को हम बढ़ाएंगे 10 साल तक, कितनी स्पेस इकोनॉमी को, $40 बिलियन तक की करनी है। तो ये था जो भी रिलेटेड न्यूज़ था जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, उसका सारा ब्यौरा। चलो, काफ़ी फैक्चुअल ऑलरेडी डिस्कस्ड, फिर से आया था क्या न्यूज़ में, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व क्या है, टाइगर रिजर्व है कहाँ है ये आपको बताना है। मेलेनिस्टिक टाइगर एकमात्र ऐसा टाइगर रिजर्व जहाँ पे मेलेनिस्टिक टाइगर पाए जाते हैं। मेलेनिस्टिक टाइगर मतलब क्या होता है, अरे यार मेलेनिन तो समझ रहे होंगे, बिल्कुल समझ रहे होंगे, पिगमेंट होती है बॉडी की, तो ये जो टाइगर होता है ना इनमें मेलेनिन का पिगमेंट ज़्यादा होता है। तो क्या वो काले होंगे? नहीं यार, काले तो नहीं होंगे, बट जैसे नॉर्मली टाइगर्स का स्ट्रिप होता है ना, तो इनके ब्लैक स्ट्रिप्स भी रहते हैं,
तो ये होते हैं मेलानिस्टिक टाइगर और ये पाए जाते हैं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। आप बताइए कहाँ है ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व? क्या वो कर्नाटक में है? हो सकता है बट नहीं है। बट हमने पढ़ा था कर्नाटक में क्या? अरे यार बताओ, कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था बानेर घाटा नेशनल पार्क। क्यों पढ़ा था हमने बानेर घाटा नेशनल पार्क? क्योंकि यहां से नेशनल हाईवे क्रॉस कर रहा है और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि मत कीजिए ना यार, कितना अच्छा टाइगर रिजर्व है, रोड निकाल देंगे तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगी, प्रोटेस्ट चल रहे थे। उतनी बातें याद नहीं रखनी, बट हमें ये याद रखना है कि बानेर घाटा नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। जो भी नेशनल पार्क न्यूज में होगा वो आपके एग्जाम में होगा। आपको बैठ के पूरा इंडिया में जितना भी टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, सब नहीं पढ़ लेना है एक बार में। ध्यान देना है कि न्यूज में कौन सा है, वही एग्जाम में पूछे जाएंगे। और कर्नाटक के बेंगलुरु का बानेर घाटा नेशनल पार्क था न्यूज में। चलो तेलंगाना में, तेलंगाना में हमने पढ़ा था कवल, बिल्कुल पढ़ा था कवल नेशनल पार्क, ये भी था न्यूज में। क्यों था? 6 ऑफिसर सस्पेंड कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि वो टीक वुड की स्मगलिंग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया वुड होती है बट स्मगलिंग कर रहे थे, बैन है। तो कवल नेशनल पार्क तेलंगाना, चलो ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु को क्या लेके पढ़ा था? अरे यार पढ़ा था ना वीराथंगल, वीराथंगल नेशनल पार्क। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था कस्क्यूटा डॉर्डर। क्या था कस्क्यूटा डॉर्डर? इनवेसिव स्पेसीज था, नॉर्थ अमेरिका से आई है और वीराथंगल नेशनल पार्क के जितने भी पेड़ हैं उनको कवर कर दे रही है, पेड़ मर रहे हैं वहां पे। क्यों? कस्क्यूटा डॉर्डर के चलते क्या है? इनवेसिव स्पेसीज है। चलो तो क्या बच गया? उड़ीसा बच गया। तो उड़ीसा है आपका आंसर किसका? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व का। और उड़ीसा वालों ने कहा है कि हम दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। दुनिया की, अगर वर्ल्ड का फर्स्ट हो रहा है ना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वर्ल्ड का फर्स्ट टाइगर मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ बन रहा है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। कहाँ है सिमलीपाल? उड़ीसा में है। तो इससे रिलेटेड आर्टिकल आया हुआ था, इन लोगों ने बोला है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को कि आप फीमेल टाइगर को भेजिए ताकि हम जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ा सके। श्योरो मेलानिस्टिक टाइगर्स वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनको और अपनी जेनेटिक की डाइवर्सिटी बढ़ानी है। इतनी कहानी आपको नहीं जाननी है, बस जानना है ये देखो है ना। तो NTCA न्यूज में था, ये भी जानेंगे क्या है। स्टैचुरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर में आती है, एस्टैब्लिश हुआ था 2006 अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। बहुत इंपॉर्टेंट होगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। बिल्कुल नहीं घबराना है, एकदम आराम से। अभी मैं बता रही हूँ कम से कम 10 बार रिविजन कर लेंगे इसका, एकदम याद हो जाएगा। कुछ नहीं, कान लगा के बस सुनना है। हो गया, बिल्कुल हो गया। तो इन्होंने NTCA को कहा है कि प्लीज फीमेल टाइगर भेजिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी करना है। किसने कहा है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व वालों ने कहा है। NTCA क्या होता है, किसके अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर में आता है और स्टैब्लिश हुआ था 2006 में अंडर वाइल्ड लाइफ ऑफ कौन सा एक्ट? 1972। जी हाँ। चलो अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं 2 साल बाद कौन? लोकपाल। बताइए नाम क्या है? काफी फैक्चुअल है बट लोकपाल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम क्वेश्चन सेटर का फेवरेट क्वेश्चन है, हम हर एक एंगल जानेंगे, पहले फैक्चुअल बातों को डील करेंगे। कौन बने हैं? 2013 में इनकी एक्ट आई थी लोकपाल एक्ट की, उसके बाद पहले लोकपाल बने थे 2019 में। क्या नाम है बताइए, जल्दी बताइए। पिनाकी चंद्र घोष, ठीक। तो 2019 के बाद एक और बने और अब बन रहे हैं जाके, मतलब 2013 से लेके 2024 तक सिर्फ 3 ही बने हैं लोकपाल। बताइए कौन बने हैं? क्या वो रजन गगोई साहब हैं? नहीं, वो तो नहीं है, बट उनको हाल ही में मिला था क्या, असम वैभव का पुरस्कार। क्यों मिला था? क्योंकि वो उस टाइम में CGI थे जब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दी थी, किसकी? अयोध्या वर्डिक्ट की। तो इसलिए मिला क्या इन्हें, असम वैभव। क्यों मिला? क्योंकि वर्डिक्ट दी थी, CGI थे। चलो ठीक है, अर्जुन गोगोई तो नहीं है, शशि थरूर सर है। क्यों शशि थरूर क्यों होंगे? अगर आप लोकपाल के बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे तो आपको पता होगा लोकपाल वही बन सकते हैं जो पहले रिटायर्ड चीफ जस्टिस रह चुके हैं या फिर फॉर्मर जज रह चुके हैं। शशि थरूर थे क्या? नहीं थे यार, बट ये है यहाँ पे। तो क्यों है? क्योंकि इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है, हाईएस्ट ऑनरी अवार्ड ऑफ फ्रांस। क्या शेवेलियर? किसको? शशि थरूर जी को। चलो संपूर्ण सिंह कालरा, नाम भी नया नया लग रहा होगा, पता भी नहीं है कि ये थे भी कि नहीं थे सुप्रीम कोर्ट में जज, कितने सारे हैं। बट अगर आप करंट पढ़ रहे हैं और मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि ये कोई और नहीं, ये है हमारे प्यारे गुलजार साहब। और इनको मिला है क्या, ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्दू श्रेणी में। तो बचे कौन? AM खानविलकर।
एम खानविलकर जो है लोकपाल में नियुक्त हुए हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब बिल्कुल सर जल्दी जल्दी जानेंगे हम लोकपाल के बारे में। 2013 एक्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या करता है? ऑब्वियसली पता ही होगा, सेंटर पे होता है लोकपाल और लोकायुक्त होता है स्टेट लेवल पे। एंटी करप्शन देखेंगे, इसके अंडर में सीबीआई, इनफैक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर भी इसके स्क्रूटिनी में आ जाएंगे। सिलेक्शन कमेटी कैसे कर, इतनी बड़ी चीज है, इतनी बड़ी पद है, ऐसे थोड़ी ना नियुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सिलेक्शन कमेटी में जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे खुद के पीएम होते हैं, वो चेयरपर्सन होते हैं। किसके? सिलेक्शन कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं हमारे पीएम, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई ऐसा जज जो नॉमिनेट किया गया हो उनकी जगह पे, और एक एमिनेंट जूरिस्ट जो अपॉइंट किया गया हो प्रेसिडेंट पे। जूरिस्डिक्शन प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड होते हैं, मिनिस्टर्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ग्रुप ए बी सी डी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सारे इसके स्क्रूटिनी में। इनफैक्ट इवन सीबीआई भी आता है इनके स्क्रूटिनी में। जल्दी से रिविजन कर लेते हैं। 2013 की एक्ट आई थी, सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड करती है और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं मेंबर्स को और चेयरपर्सन को। सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन आते हैं? पीएम चेयरपर्सन है और उसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, ये हमेशा अभी तक है नहीं इसीलिए इतनी डिले होती है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो उनके द्वारा उनकी जगह पर नॉमिनेट किया गया हो, या फिर और एक एमिनेंट जूरिस्ट जो अपॉइंट किया गया हो प्रेसिडेंट के द्वारा। बस हो गया, बिल्कुल नहीं डरना है, रिविजन करेंगे। इससे पहले हमने एनएचआरसी के बारे में पढ़ा था, हर एक एंगल जाना था। अभी फिर एनएचआरसी न्यूज में वो भी कवर करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे। लोकपाल है, बहुत बार आएगा न्यूज में, आराम से रिवीजन करेंगे, एकदम नहीं डरना है, बहुत इजी है। तो कंपोजिशन क्या होता है? चेयरपर्सन होते हैं और 8 लोग होते हैं, 8 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम, जिसमें से हाफ जो होते हैं वो जुडिशियल मेंबर्स होते हैं। ठीक है, हाफ जुडिशियल मेंबर्स होते हैं और जो रेस्ट बच गए 50% मेंबर्स, मतलब इन 8 में से 50% या तो आपके एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी या वुमेन में आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, और ठीक है 70 साल या फिर 5 साल अंटिल द एज ऑफ 70। तो ये था लोकपाल के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलो एक ब्रीफ कर लेते हैं। सबसे पहले लोकपाल कौन से कंट्री में आया था? स्वीडन कंट्री में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। स्वीडन ऐसा देश है जिसने इस तरह की बॉडी बनाई थी। किसने? स्वीडन ने 1963, एलम सिंघवी साहब जानते हैं, उन्होंने नामांकन किया था किसका? लोकपाल और लोकायुक्त का, एलम सिंघवी साहब इन्होंने किया था। ठीक है, उसके बाद 1966 में एआरसी है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, बिल्कुल। तो इस कमीशन ने पहली बार रिकमेंड किया था किसका, कि प्लीज बनाइए ना इस तरह की कोई कमेटी, बड़ी अच्छी है। फिर इन्हीं की रिकमेंडेशन पे 1968 में बिल पारित हुई थी, बट लोकसभा डिसॉल्व कर गया और उसके बाद वो हो गया, नहीं हुआ पास। फिर 8 बार कोशिश की गई, बिल्कुल कुछ नहीं हो पाया। फिर 2011 में अन्ना हजारे का, अगर आप न्यूज़ देखते होंगे या फिर आपको कुछ धुंधला धुंधला याद होगा, तो उस टाइम में बहुत प्रोटेस्ट चल रहा था, किसके लिए? इसी के लिए। और प्रेशर में आकर 2013 में गवर्नमेंट ने क्या बनाया, गई बॉडी बनाया। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट कमिटी का नाम आता है एमएन वेंकटचलिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कमेटी ने कहा कि बनाइए ये लोकपाल, बहुत बढ़िया चीज़ है, और उन्होंने कहा कि पीएम को इसके स्क्रूटिनी से बाहर रखिए। ठीक है, बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि उन्होंने कहा था कि आप प्राइम मिनिस्टर को लोकपाल के एम्बिट से बाहर रखिए। किसने कहा था? एमएन वेंकटचलिया के कमेटी ने, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलो ठीक है, 2013 में लोकपाल एक्ट 2013 पास हुआ और 2017 में कुछ नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्दी से बनाइए ना, क्यों नहीं बना रहे हैं क्या लोकपाल? 2019 में आया था ना, 2013 में एक्ट आया, लोकपाल बने नहीं, लोकपाल बने 2019 में, तो बीच में 2017 में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन कहना पड़ा और कहना पड़ा कि प्लीज अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो क्या आप नहीं बनाएंगे क्या लोकपाल? तो ये था पूरा लोकपाल को लेके, कौन बने हैं लोकपाल के हमारे नए चेयरमैन? एएन खानविलकर। चलो काफी फैक्चुअल है। बायो एशिया कहाँ हो रहा है? 21st एडिशन। क्या है बायो एशिया? एशिया का प्रीमियर बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस कन्वेंशन। कहाँ हो रहा है बताइए? एशिया का प्रमुख जैव प्रौद्योगिकी और जीवन विज्ञान सम्मेलन बायो एशिया का 21वां संस्करण कहाँ हो रहा है? क्या वो डिब्रूगढ़ में हो रहा है जो असम में आता है? नहीं, डिब्रूगढ़ में नहीं हो रहा है। पर डिब्रूगढ़ में क्या हो रहा था? डिब्रूगढ़ में नॉर्थ ईस्ट का पहला नेचुरोपैथी का और योगा का हॉस्पिटल बना है। ठीक है, कहाँ बना है? नॉर्थ ईस्ट का पहला, डिब्रूगढ़ में। तो डिब्रूगढ़ तो नहीं है, तो क्या विशाखापट्टनम में हो रहा है? नहीं, विशाखापट्टनम में भी नहीं हो रहा है। पर विशाखापट्टनम में क्या हुआ था? मिलन एक्सरसाइज हुआ था। कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में। तो क्या कानपुर यूपी में हो रहा है क्या?
21वां संस्करण बायो एशिया का नहीं, कानपुर में भी नहीं हो रहा, पर हमने कल पढ़ा था कानपुर में बना है इंडिया का पहला प्राइवेट और साउथ एशिया का लार्जेस्ट एम्यूनेशन कॉम्प्लेक्स। किसका? अडानी जी का। तो कानपुर भी गया, तो क्या बचा? हैदराबाद। तो हैदराबाद में क्या हो रहा है? 21वां संस्करण बायो एशिया का, है ना। चलो, तो 21st एडिशन ऑफ बायो एशिया कहाँ हो रहा है, और इसका थीम भी है ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ साइंस विद डाटा एंड एआई। बिल्कुल नहीं घबराना है, बहुत बार रिवीजन कर लेंगे। ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ साइंस विद डाटा एंड एआई किसका थीम था? बायो एशिया का। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। चलो, पर्पल फ्रॉग को बचाने के लिए कंजर्वेशन फंड स्टार्ट किया है किस स्टेट ने? फोटो देखोगे ना पर्पल फ्रॉग का तो आपको लगेगा यार, मतलब ठीक है बट नहीं अच्छी दिख रही थी, क्यूट तो नहीं दिख रही थी बट ठीक है, इंपॉर्टेंट है हमारे इको सिस्टम के लिए। आपको पता है मच्छर का भी अपना रोल होता है। अगर हम सोचेंगे कि मच्छर अगर खत्म हो जाता है धरती से तो कितना बढ़िया होगा, बहुत सारी बीमारियां हट जाएंगी, बट मच्छर भी इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज हमारे नेचर में इंपॉर्टेंट होता है, सबका अपना अपना स्पेसिफाइड प्लेस है और सबका अपना इंपॉर्टेंस है। मच्छर का क्या इंपॉर्टेंस होगा, सोच के बताना। चलो, तो पर्पल फ्रॉग को बचाने के लिए कंजर्वेशन फंड स्टार्ट किया है, इसको लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। किसको? पर्पल फ्रॉग को। ये ना डायनासोर जब थे ना उस टाइम की है, अभी तक इंडेंजर्ड है। तो कौन से स्टेट ने किया? गोवा ने किया था? नहीं, गोवा ने नहीं किया था, बट गोवा ने कोलैबोरेशन किया था वर्ल्ड बैंक के साथ। क्यों? ब्लेंडेड फाइनेंशियल मैथ स्कीम के तहत क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए। किसने? गोवा ने किया था। तो क्या बिहार वालों ने किया था? हमने किया था? नहीं, हमने तो नहीं किया था, बट हमने सिडबी के साथ समझौता कोलैबोरेट किया है। क्यों? स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए। तो बिहार वालों ने सिडबी के साथ स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रमोट करने के लिए कोलैबोरेशन किया, गोवा ने वर्ल्ड बैंक के साथ किया। तो क्या उत्तराखंड ने किया? नहीं, उत्तराखंड ने तो नहीं किया, पर इन्होंने एक बिल पेश किया है जिससे वो अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है और किसी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहा है तो उसकी रिकवरी लेंगे उस प्रोटेस्टर से। तो ये प्रोटेस्ट वाले जो बिल है ना, ये उत्तराखंड ने लाया। और क्या किया उत्तराखंड ने? यूसीसी इंप्लीमेंट किया। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है यूसीसी के सिग्निफिकेंसेस क्या है, चैलेंजेस क्या है, आर्ग्यूमेंट्स क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, हर एक एंगल जाना था, बिल्कुल जाना था। तो उत्तराखंड तो बचा क्या? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा है कि हम कंजर्वेशन फंड सेट करेंगे टू प्रोटेक्ट द पर्पल फ्रॉग एंड अदर इंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, एक लुप्त प्राय प्राजति संरक्षण कोष की स्थापना करेगा कौन? तमिलनाडु करेगा। चलो, तो फोटो मैंने बोला था दिखाऊंगी, क्यूट है काफी। तो तमिलनाडु, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट होगा, इंडेंजर्ड है IUCN स्टेटस और स्केड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, मतलब इनकी हंटिंग नहीं कर सकते, करोगे तो जाओगे। किसकी? इनकी, पर्पल फ्रॉग की। लॉस एंड डैमेज फंड फॉर्मली कहां एस्टेब्लिश हुआ था? अभी न्यूज में है, नाम से पता चल रहा है। क्या है लॉस एंड डैमेज फंड? मतलब जो स्कूल में या फिर कॉलेजेस में सामान गुम हो जाते थे और नोटिस लगाते थे फाउंड और लॉस्ट, क्या ये वो है? नहीं, वो नहीं है, ये कुछ और है। ये लॉस एंड डैमेज फंड बात कर रहा है ऐसे फंड की जिसमें जो डेवलप्ड कंट्री है वो पैसा डोनेट करेंगे जो वल्नरेबल कंट्री है, जो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं उनको। तो ये है लॉस एंड डैमेज फंड। कौन पैसा देगा? डेवलप्ड कंट्रीज देंगे। किसको देगा? जो वल्नरेबल कंट्रीज है। तो डेवलप्ड कंट्री क्यों पैसा देंगे? उन्होंने ठेका लिया है, बिल्कुल लिया है, खुद तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कर लिया, खुद भर भर के पोल्यूशन फैला दिया, अब डेवलप हो गए हैं तो डेवलपिंग और अंडर डेवलप को मना कर रहे हैं कि आप मत करिए, बताइए गलत बात है ना? बिल्कुल गलत बात है। तो इसीलिए उनसे पैसे लिए जाएंगे कि जो आपने बर्बादी की हुई है, जो आपने ऑलरेडी इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर दिया है, उसके लिए आप पैसा दीजिए। इस फंड का नाम होगा किसका? लॉस एंड डैमेज फंड। तो इतनी बढ़िया फंड की बात कब कही गई थी? इजिप्ट में, याद है क्या हुआ था? COP 27। तो उसी में इसकी बात रखी गई थी, बट फॉर्मली एस्टैब्लिश हुआ था UAE में, हुआ था 28th COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, UAE में हुआ था ना? हाँ हुआ था, बिल्कुल। तो वहां पे ये फॉर्मली एस्टैब्लिश किया गया था। चलो ठीक है, तो फिर बाकू क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? अजरबैजान में है, यहाँ पे आपका 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगा, कहाँ होगा? बाकू। चलो ठीक है, तो वाशिंगटन डीसी क्यों दिया हुआ है? बताओ वाशिंगटन डीसी क्यों दिया हुआ है? अरे यार बताया था ना, ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की फर्स्ट मीटिंग हुई थी, कहाँ हुई थी? वाशिंगटन डीसी में हुई थी। इसमें क्या था? कनिंग मॉन्ट्रियल के अंडर में
हमने फंड बनाया था और उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी वाशिंगटन डीसी में, कनमिंग मॉन्ट्रियल में, क्या कहा था? कहा था कि हम 30% अपने इकोसिस्टम का, अपने अर्थ का प्रोटेक्ट करेंगे बाय 2030। कम से कम इतना तो बचा के रखना है भाई साहब, उसके लिए पैसा चाहिए होगा। पैसा का पहला मीटिंग हुआ था कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। तो आंसर क्या होगा? फॉर्मली कहाँ स्टैब्लिश हुआ था? UAE में हुआ था। कहाँ हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। वहाँ पे लॉस एंड डैमेज फंड की क्रिएशन की बात की गई थी और उसके अंतर्गत लॉस एंड डैमेज फंड का बोर्ड इस्टैब्लिश होगा। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि बोर्ड के मेंबर्स ही अभी तक असाइन नहीं हुए, तो पैसा कहाँ से आएगा? बोर्ड में मेंबर्स ही नहीं है तो पैसा नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो डिले हो रहा है नॉमिनेशन में, इसीलिए ये न्यूज़ में था। कब फॉर्मली बना था? COP28 में हुआ था। और इसमें बोर्ड में 26 मेंबर्स होंगे जिसमें से 12 डेवलप्ड कंट्रीज के होंगे, 14 डेवलपिंग नेशंस के। हो सकता है झगड़ा हो रहा होगा, सब कह रहे होंगे नहीं नहीं हम डेवलप नहीं है, यूएस वाले भी कह रहे होंगे, चाइना वाले भी कह रहे होंगे। तो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है? क्या है? इंश्योर करेगा रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ कंट्रीज फेसिंग द कैस्केडिंग इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। चलो ठीक, बहुत न्यूज में है, मीडिया वालों ने तो बहुत अच्छे से कवर कर रखा था कि पाकिस्तान को नहीं देंगे पानी इसी के चलते। क्यों? क्यों पानी जा रहा था पाकिस्तान में, बना दिया डैम, अब पानी नहीं जाएगा पाकिस्तान में। तो अब बन रहा है न्यूज, क्या बनाया? शाहपुर कांडी डैम पंजाब में है, जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पे। पहले ये इन दोनों के बीच का एग्रीमेंट था, फिर 2018 में नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। 3 साल में बात कही गई थी खत्म करने की, अभी न्यूज आ रही है कि 98% ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। क्या? शाहपुर कांडी डैम। तो कौन सा नदी पे है बताइए? शाहपुर कांडी डैम, क्या वो कृष्णा नदी पे है? पागल हो गया, कृष्णा नदी पे कैसे हो जाएगा? पंजाब जम्मू कश्मीर कहाँ, कृष्णा नदी कहाँ? बट कृष्णा नदी पे हमने कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था? तेलंगाना में क्या हुआ था? बादामी चालुकिया की मंदिर मिली थी और वो जो मंदिर है वो कृष्णा नदी के किनारे है, बिल्कुल है। चलो तापी पे है क्या? क्या वो डैम? नहीं यार, तापी पे कहाँ से होगा, तापी गुजरात में है। और हमने क्या पढ़ा था? काकरा थर्मल पावर प्लांट तापी नदी के किनारे बसा है। चलो ठीक है, तो क्या चेनाब नदी पे है? चेनाब पे कहाँ से होगा? चेनाब पे नहीं है, पर चेनाब पे है क्यूल हाइडल प्रोजेक्ट। क्यों था न्यूज में? क्योंकि सत्यपाल मलिक साहब जी पे एलिगेशन लगा है कि उन्होंने बहती गंगा में हाथ धोया है। अभी एलिगेशन लगा, ईडी वाले गए हुए हैं, देखेंगे। तो बचा क्या? रवि। तो रवि पे है शाहपुर कांदी डैम। क्यों था न्यूज में? पता चल गया, ठीक है, जो भी बात मैंने बोली सब लिखा हुआ है। अब एक बात बताओ, किसी नदी पे आप आके ऐसे डैम बना दोगे तो गलत हो जाएगा ना? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं होगा। कैसे? हमने पाकिस्तान को अगर पानी नहीं दे रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने एक डील का साइन कर रखा है। क्या? कौन सी डील साइन कर रखी है? इंडस वाटर ट्रीटी। तो उसके तहत ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स जो है, रवि, ब्यास और सतलज, उस पर इंडिया का राइट है, और जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है उस पर पाकिस्तान का राइट है। कब हुआ था? 1960 में ये साइन हुआ था ट्रिटी, इंडस वाटर ट्रिटी, उसी के तहत हमने डैम बना लिया। कहाँ पे? रवि पे। तो यही था मेन, क्या करेंगे डैम से? इरिगेशन करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, बढ़िया बढ़िया काम करेंगे, ठीक है। किसने कहा था डैम्स आर दी टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, बताइए? गिनी वॉर्म डिजीज, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। तो गिनी क्रिम रोग किसके द्वारा कॉज होता है? क्यों है न्यूज में? क्योंकि सिर्फ 6 केसेस बचे हैं वर्ल्ड वाइड। एक टाइम पे मतलब लोग मर जाते थे इस बीमारी से, अब पूरे वर्ल्ड वाइड सिर्फ 6 केसेस बचे हैं, बहुत बढ़िया बात है। टोटली इरेडिकेट होने वाला है गिनी वॉर्म डिजीज, इसलिए न्यूज में है, बताइए। देखिए स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो भी करंट से लिंक्ड होते हैं, ऐसे ही एग्जामिनर नहीं दे देते हैं। तो बताइए किससे कॉज होता है? क्या वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है? नहीं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से नहीं होता है, क्योंकि इससे होता है सर्वाइकल कैंसर। बहुत अच्छे से पढ़ा था, बजट में कही गई थी बात कि वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेंगे। इंडिया का पहला इंडिजीनस सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन का क्या नाम है? सर्वावैक है। चलो ठीक है, क्या है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो क्या ये है लैशमैनियास? नहीं यार, ये तो काला आजार कॉज करता है, इसके बारे में भी हमने कल पढ़ा था। 2030 तक कहा है WHO ने कि खत्म करेंगे, इंडिया का टारगेट 2023 था, खत्म तो नहीं हुआ बट अग्रसर है, कर लेंगे वो भी आराम से, क्या दिक्कत है। बुजेरिया ब्रॉनक्राफ्टाई नेमाटोड है, फिलेरिया कॉज करता है, नहीं ये भी नहीं है। तो क्या बचा? ड्रैकुला। नहीं यार, ड्रैकुला नहीं, ड्रैकुलस मेडिनेंसिस, तो ये कॉज करता है आपका
गिनी वॉर्म डिजीज। तो ऐसी कौन सी डिजीज है कि लोग मर जाया करते थे, ऐसा क्या होता था? बिल्कुल होता था, सी पानी पियोगे आप, ठीक है, मान लो आपको कहा जाता है बार बार कि आप बिल्कुल फिल्टर्ड वाटर पियो, बट ये जो एक्वागार्ड की टेक्नोलॉजी है ये तो अभी आई ना, पहले तो थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। तो लोग क्या करते थे, लोगों को इतना अवेयर भी नहीं था कि पानी साफ करके पिए कैसे पिए, तो लोग पी लेते थे। क्या होता था कि जो लार्वा है वो वाटर के साथ आपके अंदर में आया, ठीक है, अंदर में आया, लार्वा बाहर निकली, बॉडी में घूम रही है, फर्टिलाइज किया, फर्टिलाइज करते करते वो आपकी स्किन तक आ गई, और फिर वो स्किन से ना बाहर निकलने की कोशिश करती थी, जिसके चलते एक्सक्रूटिंग पेन होता था। तो ये था क्या, गुडनी वाम डिजीज, गिन्नी वाम डिजीज। तो क्या होता है, स्किन लीजन्स दिखते थे, अल्सर्स होता था, लेग्स को प्राइमरीली अफेक्ट करती थी, ठीक है, किससे होता है, ड्रैंकलस मेरिनासिस पैरासाइट से। तो ओनली 6 केसेस 2023 में डिक्लेयर मतलब दिखे गए हैं, तो वर्ज पे है ग्लोबली इरिडिकेट होने के लिए। सबसे ज़्यादा अफ्रीका में इसके केसेस पाए जाते हैं, किसके, गिनी वाम डिजीज के। कौन कॉज करता है, ड्रैंकुन कुलासिस मेडिनेंसिस। चलो काफ़ी फैक्चुअल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी निसर्ग ग्राम अभी हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है, कौन से स्टेट में इनॉग्रेट हुआ है ये आप बताइए। हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, जिसको निसर्ग ग्राम भी कहते हैं, किस राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है? क्या वो सिक्किम में किया गया है? नहीं यार, सिक्किम में तो नहीं किया गया है, पर हमने कल पढ़ा था इनका फर्स्ट रेलवे स्टेशन रामपुर रेलवे स्टेशन हुआ है इनॉग्रेट, तो सिक्किम में तो नहीं किया गया है, कल ही पढ़ा था ना, बिल्कुल पढ़ा था, याद होगा। चलो ठीक है, सिक्किम तो गया, तो क्या गुजरात में हुआ था? नहीं यार, गुजरात में तो नहीं हुआ था, पर इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज बना है, सुदर्शन ब्रिज। कितना लेंथ है, वन डे एग्जाम वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, 2.32 किलोमीटर। कहाँ, गुजरात में, चलो गुजरात तो नहीं होगा। तो क्या हरियाणा में निसर्ग ग्राम? नहीं, हरियाणा में नहीं, बट हमने कल पढ़ा था सवेरा प्रोग्राम के बारे में, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है सवेरा प्रोग्राम, हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। क्या करेगा सवेरा प्रोग्राम, अर्ली डिटेक्ट करेगा ब्रेस्ट कैंसर को। तो हरियाणा भी नहीं है, तो क्या बचा, महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र में निसर्ग ग्राम इनॉग्रेट हुआ है, ठीक है, महाराष्ट्र के पुणे में। तो काफी फैक्चुअल होगा, प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी साहब ने इनॉग्रेट किया है पुणे में। चलो लास्ट क्वेश्चन, एडवर्ड, क्या है ये एडवर्ड, क्या ये किसी इंसान का नाम है? हो सकता है, बट ऑप्शन में तो नहीं है, तो इंसान तो नहीं होगा ये एडवर्ड। हाल ही में समाचारों में देखा गया है, क्या है ये, क्या वो लेजर वेपन है? नहीं यार, लेजर वेपन कहाँ से होगा, बट हमने पढ़ा था दुर्गा 2 के बारे में, है ना, ये एक लेजर वेपन था जो DRDO ने बनाया था, दुर्गा 2। तो एडवर्ड तो लेजर वेपन नहीं है, चलो ठीक है। क्या वो डाई है, डाई क्या, इंडस्ट्रियल डाई, क्या नाम था, रोडा माइन बी। तो इंडस्ट्रियल डाई है तो हम क्यों पढ़ेंगे यार, क्यों नहीं पढ़ेंगे, रोडा माइन बाई बी जो है डाई है, कॉटन कैंडी, गुड़िया का बाल उसमें यूज किया जाता है, कार्सिनोजेनिक होता है, बच्चे भर भर के खाते हैं, पता चला तमिलनाडु और पुडुचेरी को बैन कर दिया, क्या डाई, रोडा माइन बी। तो क्या ये क्वासर है, अभी हाल ही में ब्राइटेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग क्वासर डिस्कवर हुआ है, जिसका नाम रखा गया था J0529-4353। क्वासर क्या था, सुपर मैसिव ब्लैक होल के बीच में रहता है, ठीक है, अगर ब्लैक होल क्या होता है, चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लेता है, जब अब्जॉर्ब करता है तो सारे एक लाइन में इंटर करते हैं, जब लाइन में इंटर करेंगे सारे मटेरियल्स, तो कॉलिजन होगा, फोर्स जनरेट होगा, हीट निकलेगा, हीट के चलते बहुत ब्राइट अपीयर होता है, तो क्वासर हो गया। तो बचा क्या, सिंड्रोम, तो एडवर्ड सिंड्रोम है, हाल ही में न्यूज में था, क्यों न्यूज में था, क्योंकि रिसर्चर्स को बहुत पुराने पुराने स्केलेटन रिमेन्स में से, जो इतने पुराने 5500 साल पुराने, उनमें मिला है क्या, एडवर्ड सिंड्रोम, मतलब उस टाइम के बच्चे को, मतलब ये फर्स्ट पेशेंट हो गए एडवर्ड सिंड्रोम के। अब इतना एडवर्ड सिंड्रोम कह रही हूँ, क्या होता है, सी हमारे बॉडी में ऑटोसोमल क्रोमोसोम कितने होते हैं, 22 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो जो 18 नंबर का क्रोमोसोम होता है ना, ये नॉर्मली दो होते हैं ना, पेयर्स में होते हैं, यहाँ पे 3 हो जाते हैं, तो इसे हमें कहते हैं ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम 18। तो ये होता है जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, पहली बार 5500 साल पुरानी स्केलेटन में रिसर्चर्स ने देखी है। तो ये था न्यूज में, और इसीलिए था आपके क्वेश्चन में, और आएगा आपके एग्जाम में। तो ये था आज का सेशन, होप आपको समझ में आया होगा, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो बताइएगा जरूर। तब तक के लिए खाते रहिए, ख्याल रखिए और बढ़ते रहिए।